अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने वाले हैं फ़्राइज़ पिज़्ज़ा। तो फ़्राइज़ पिज़्ज़ा बनाने के लिए मैंने दो बड़े साइज़ के आलू लिए हैं। बड़े साइज़ के आलू लेने से जो शेप होता है फ्रेंच फ्राइज़ का वो अच्छा आता है, बड़े बड़े शेप में कट कर सकते हैं हम। तो देखिए, इस तरीके से पहले हम स्लाइस कर लेंगे। जितना मोटा आपको साइज़ चाहिए फ्रेंच फ्राइज़ का, उस हिसाब से आप इसको कट कर लीजिए। इतना मोटा काफ़ी है, इससे ज़्यादा मोटा रखेंगे तो सही नहीं बनेंगे। तो इस तरीके से पतले पतले स्लाइस करने के बाद हम इसको इस तरीके से काट लेंगे, लंबे शेप दे देंगे इसको फ्राइज़ के। तो ये देखिए, हमारे फ्रेंच फ्राइज कट के रेडी है। तो इस तरीके से आप काट लीजिए। आप चाहे तो ऐसे दो टुकड़ों में छोटा भी कट कर सकते हैं, तो मैंने बड़े बड़े कट किए हैं। तो सारे फ्रेंच फ्राइज़ को मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। कितना अच्छा बड़ा शेप आया है। अब 1 टीस्पून हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। अगर ब्लैक पेपर ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, उससे ज़्यादा कॉर्नफ्लोर ऐड नहीं करना, इतना काफ़ी है। और इसको टॉस कर लें या हाथों की मदद से इसको मिक्स कर लें अच्छी तरह से। आप चाहे तो फ्रेंच फ्राइज़ को फ्राई करने के बाद भी ब्लैक पेपर ऐड कर सकते हैं। तो ऑयल एकदम गरम होना चाहिए, गरम कर लीजिए और फुल फ्लेम पर फ्राइज़ को डाल दीजिए। सारे एक साथ मत डालिएगा, एक 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 अलग अलग करके थोड़े डालिए, फिर फ्राई कीजिए, वरना ये चिपक जाते हैं आपस में। तो ये देखिए, बहुत ही मज़े के और क्रिस्पी, बिल्कुल बाहर जैसे हमारे फ्राइज़ बनकर रेडी है और बहुत ही मज़े के लगते हैं ये खाने में। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन को ज़रूर दबाएं। बेल बटन को दबाने से मेरी आने वाली हर नई रेसिपी सबसे पहले आपको दिखेगी। तो बेकिंग डिश ले लेंगे, और ये सबसे पहले मैंने ये मायोनेज लिया है। मैंने इसमें थोड़ा पानी डाल के इसको लिक्विडी कर लिया है ताकि ड्रिजल करना इजी हो। और ये पिज़्ज़ा सॉस में टोमेटो केचप मिलाया है 1 टीस्पून, ओरिगैनो है, सॉरी ब्लैक ऑलिव लिया है, कैप्सिकम लिया है, मोज़रेला चीज़ है क्यूब्स में भी है, और मैंने ग्रेट भी कर लिया है चीज़ को। तो सबसे पहले जो डिश में आप बेक करने वाले हो अवन में, वो डिश ले लें, उसमें फ्रेंच फ्राइज़ को डाल दें, फिर इस पर ड्रिजल कर दीजिए पिज़्ज़ा सॉस। इसमें मैंने टोमेटो केचप भी मिक्स कर दिया है। अब ये देखिए, लिक्विडी फॉर्म में हो गया है मायोनेज, तो ड्रिजल करना ईजी हो रहा है। तो इस तरीके से ड्रिजल कर देंगे, आधा ड्रिजल कर देंगे, आधा रख देंगे, क्योंकि हम 2 लेयर्स लगाने वाले हैं इसकी। अब मोज़रेला चीज़ डाल देंगे, अगर आपके पास स्लाइसेस है तो आप वो भी डाल सकते हैं। अब इस पर हम चिली फ्लेक्स डालेंगे, तीखा आप अपने हिसाब से जित कम ज़्यादा कर सकते हैं। ओरिगैनो डालेंगे, और ये ग्रीन कैप्सिकम मैंने ली है, आप कलरफुल भी यूज़ कर सकते हैं। अब सेकेंड लेयर हम लगाएंगे फ्राइज़ की, तो फ्राइज़ को रख देंगे हम इसके ऊपर। तो ये देखिए, सारे फ्राइज़ रख दिए, थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए ताकि ये सेट हो जाए। अब जो हमने सॉस बचा लिया था, पिज़्ज़ा सॉस और टोमेटो सॉस, वो डाल देंगे, मायोनेज डाल देंगे। चिली फ्लेक्स डालेंगे, ओरिगैनो डालेंगे, अब मोज़रेला चीज़ हम इस पर डाल देंगे। चीज़ ज़्यादा डालिएगा, उसी से इसका फ्लेवर आएगा अच्छा। तो चीज़ मैंने डाल दिया है, थोड़ा सा ओरिगैनो मैंने और स्प्रिंकल किया है इस पर, और कैप्सिकम रख देंगे हम। अब इस पर हम रख देंगे ब्लैक ऑलिव, आप चाहें तो ग्रीन ऑलिव्स का भी यूज़ कर सकते हैं, या ग्रीन और ब्लैक दोनों मिलाकर भी यूज़ कर सकते हैं। और बहुत ही मज़े का और टेस्टी बनता है ये फ्राइज़ पिज़्ज़ा, आप ज़रूर इसको बनाकर ट्राई कीजिएगा। तो हम इसको अवन में बेक करने वाले हैं 180 टेम्परेचर पर। अवन को मैंने प्रे हीट कर लिया है, इसको हम रख देंगे, सिर्फ 5 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि चीज़ मेल्ट हो जाए।
तो ये देखिए चीज़ हमारी मेल्ट हो चुकी है, 5 मिनट लगे हैं इसको और हमारा फ्राइज़ पिज़्ज़ा बनकर रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फिर मैं मिलती रहूँगी आपसे इसी तरह से नई नई रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़। तो ये देखिए कितना चीज़ी बना है हमारा फ्राइज़ पिज़्ज़ा, बहुत ही मज़े का। तो ट्राई करना तो बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा।